हाँ जी सर, क्या फोन करेगा? और फिर कर ली कंप्लीट? अच्छा, हाँ जी, कहाँ पे? मुझे उसमें ई से करना था। हाँ जी, हाँ बच्चों, ई में कोई डाउट? कौन सा? 24। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड टू बी इवन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एच बाय 2 पाई। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम्स इन विजिबल रेंज इन सच अ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल? तो क्या करोगे आप? मतलब सारी केस में जहां पे एन आ रहा है आपको, इसको 2n से रिप्लेस कर दो आप, है ना? तो अगर आप इसको 2n से रिप्लेस करते हो फिर क्या होगा? ऑर्बिटल्स, टेल्स, बहुत फंडामेंटल। वो मतलब कुछ फेस आपके वो बदल जाएंगी सेल्स, तो रेडियस आई है उसकी फिक्स वैल्यूज आ गई। तो उसमें अब आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट एनर्जी, वो शॉर्टेस्ट एनर्जी आपकी फिर हाँ सिक्स फ्लोर। देखो सिक्स आपको करना तो यही है कि अगर हम कहें कि वेवलेंथ ऑफ एनथ लाइन ऑफ फ्लैमेन सीरीज इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट जेड इक्वल टू 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एक तो बच्चों इसमें कंफ्यूजन होती है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ये जो लिखा है वेवलेंथ ऑफ एनथ लाइन ऑफ फ्लैमेन सीरीज, तो मतलब ये जो लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं ये वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पर लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं या हाइड्रोजन लाइक एटम की लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं? तो बताओ फिर। वो तो हाइड्रोजन की नहीं बात कर रहे, क्योंकि जो लाइक बॉन्ड डिफाइंड है लाइमन बात कर रहा है, तो सारी सीरीज वो तो हाइड्रोजन एटम की। वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन ना एटम की जो लाइमन सीरीज की अलग साइन है और इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इक्वल टू 11, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो यहां पे आपकी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? nth लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का क्या मतलब हुआ? वन बाय लैम्डा इक्वल टू आर इंटू वन माइनस वन ओवर, ये बनेगा करेक्ट। और दूसरे केस में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेट इक्वल टू 11 वाले की, वो क्या बनेगी? देखो लैम्डा इज एच बाय एम बी, तो हमें ये भी पता है कि एम बी आर एस एच बाई 2 पाई, तो एच बाई एम बी जो है बेसिकली वो 2 पाई आर में गया, तो मतलब तो दूसरी जो तो वेवलेंथ हमें चाहिए वो हो गई
टू पाई आर, ये आर किसके लिए डालना है, और जेड इक्वल टू 11, एन इक्वल टू 1, तो इन दोनों को आप इक्वेट करोगे, ठीक है ना, इससे आपका एन निकलेगा, जो कि वो इक्वेशन जो बनती है ना थोड़ी अजीब सी बनती है, आई थिंक क्यूबिक बन जाती है मेरे ख्याल, या कुछ होता है हाँ, नहीं वो नहीं करना, इससे करना ट्राई, ठीक है। आगे बच्चों और कोई इसमें हो गया 14th, स्टेशनरी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन वेलोसिटी 13 हो गया। फ्रॉम द कंडीशन ऑफ फॉरगोइंग प्रॉब्लम फाइंड हाउ मच परसेंटेज इन द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटॉन डिफर्स फ्रॉम एनर्जी ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। तो डिफरेंस समझो क्या हो रहा है, एक केस में तो हम कह रहे हैं कि मान लो सिर्फ जब फोटोन एमिट हुआ होगा, राइट, मतलब जो ट्रांजिशन हुई, ये हम फर्स्ट टाइम ऑफ लाइमन करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं, एक केस में तो जो ट्रांजिशन हुई वो हुआ, उससे जो एनर्जी रिलीज हुई वो काफी सारी फोटोन में चली गई। दूसरे केस में क्या हुआ, जो एनर्जी रिलीज हुई वो फोटोन प्लस जो एटम का मास है, एटम की एनर्जी है, उसमें गई, ठीक है। तो हमें दोनों को कंपेयर करके निकालना पड़ेगा कितना परसेंटेज है, तो इसमें कोई कोई पैसा नहीं है, तो ज्यादा नहीं पड़ेगा, पूरा सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा कि क्या आता है। कईयों में तो ऐसा होता है ना कि आपने कैलकुलस लगा दिया या कुछ लगा के चेंज निकाल दिया, उसमें पैसा नहीं है, पूरा अलग से ही सॉल्व होगा। डन बच्चों, इज दिस क्लियर? एफ पार्ट बच्चों फर्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या लाइट एंड हैवी हाइड्रोजन, मतलब जो फर्क होता है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के मास का होता है, तो बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो क्या इन्होंने वैसे ही किया हुआ है, न्यूक्लियस का मास लेके किया हुआ है? म्यू म्यू तो म्यू पुट करके आपको निकालना होगा, आ जाता है उसी। आगे सिक्स्थ क्वेश्चन, लिथियम एटम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, अज्यूम द फॉलोइंग सिंपल पिक्चर ऑफ एटम, 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव क्लोज टू न्यूक्लियस मेकिंग अप अ स्फेरिकल क्लाउड अराउंड इट एंड थर्ड मूव्स अराउंड दिस क्लाउड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, बोहर मॉडल कैन बी यूज्ड फॉर दिस थर्ड बट एन इक्वल टू 1 स्टेट्स आर नॉट अवेलेबल टू इट, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इन ग्राउंड स्टेट यूजिंग द पिक्चर ऑफ एटम। बेसिकली आप क्या कह रहे हो कि सेंटर पे क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियस है और उसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि बेसिकली कहां पे मूव कर रहे हैं, एक तरह से इक्वल टू 1 में, ठीक है। तो इफेक्टिवली आपके लिए क्या हो गया, अगर आप सोचो ध्यान से कि जो आपका न्यूक्लियस है, एक तरह से गॉस लॉ लगाओ, तो जो आपका न्यूक्लियस है वो इफेक्टिवली क्या हो गया, इसमें कितना चार्ज हो गया, लिथियम में कितना, 3 प्रोटॉन होते हैं, तो 3 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इफेक्टिवली बस एक चार्ज रह गया, उसके हिसाब से सॉल्व कर दो। और बस ये ध्यान रखना कि n इक्वल टू 1 नहीं लेना, 2 से ही स्टार्ट करना। जैसे
कंडीशन है उसे मोशन में है मतलब सिस्टम में एक से बाउंड वाली कंडीशन है और आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि टोटल एनर्जी पॉजिटिव आती है फिफ्थ में नहीं अगर पॉजिटिव आ रही है तो मतलब क्वेश्चन गलत फ्रेम है कि मतलब उन्होंने एक्सप्रेशन बना दिया बट ये ध्यान नहीं दिया कि एक्सप्रेशन बाउंड भी बन रहा है अदरवाइज इट डज नॉट मेक एनी सेंस राइट बाउंड सिस्टम थोड़ा जरूरी है आप एक तरफ कह रहे हो कि ये एनर्जी है और फिर आप कह रहे हो कि ऐसे हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लेवल से एनर्जी लेवल तो आप इस असम्पशन से निकाल रहे हो ना कि वो बाउंड है अंडरस्टूड वैसे और 11th गैस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स कैन अब्सॉर्ब रेडिएशंस ऑफ 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कॉन्सिक्वेंटली द एटम्स एमिट रेडिएशंस ऑफ ओनली 3 डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑल द वेवलेंथ्स आर इक्वल और स्मॉलर देन दैट ऑफ अब्सॉर्ब फोटोन फोटोन कौन सा अच्छा एब्जॉर्ब रेडिएशंस है ठीक है एब्जॉर्ब रेडिएशंस है तो ऑल द वेवलेंथ्स आर इक्वल और स्मॉलर देन दैट ऑफ एब्जॉर्ब फोटॉन सो स्मॉलर के सोर्स है इनिशियल स्टेट ऑफ गैस आता है चलो ठीक है अब अगर ऐसे तो सेंसिटिव बन गई तो इससे एक तो हमें ये समझ आ रहा है कि 68 जो है वो कोई ना कोई ट्रांजिशन के रिस्पोंडिंग तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगेगा कि कैसे इंटीजर बनेगा मतलब आपको ये कहना पड़ेगा ना एक तो आपको ये दिख रहा है consequently the atoms emit radiations of only 3 different wavelengths ek to isse ye clear ho gaya ki agar 3 different aa rahi to matlab wo kis state mein gaya hoga maximum n plus theta ki ja sakta hai na dx site hoge to ground pe bhi aa sakta hai na yes to dx excitation mein agar 3 hi aa rahi hai total ye meaning hoga consequently the atoms emit radiations of only 3 different so d excitation to 3 hi aa rahi hai agar d excitation mein 3 aa rahi hai to tabhi possible hai ki agar higher state jo hai wo ek jo ki aa rahi hai wo equal to a smaller than the of photo matlab aisa hua na maan lo different hai hypothetically ki पहले मान लो मैंने मेरा 2 पे है ठीक है और 2 से 3 पे गया 68 एब्जॉर्ब करके तो जो 3 से 1 वाली आएगी वो बढ़िया वो छोटी आ गई ना कंपेयर टू जो 2 से 3 वाली तो हां मतलब ठीक है तो डी एक्साइटेशन तो ये सीधा ही दिख रहा है देखो एक तो ये दिख गया सीधा कि एक्साइटेड स्टेट में दूसरा ये दिख गया कि जो मैक्सिमम स्टेट है वन इक्वल टू 3 हो सकती है पर 2 पे ही होगा यस है ना तो ए ऑप्शन का आंसर आ गया इक्वल टू 2 ये सीधा आ गया
फिर बी कैसे निकलेगा? आपको पता है कि 2 से 3 वाली जो ट्रांजिशन है वो 68 से करेस्पॉन्ड कर रही है, तो उससे आपका रेड निकल आएगा, राइट। सी है मिनिमम वेवलेंथ, तो 3 से 5 वाली ट्रांजिशन होगी, और डी है आयनाइजेशन एनर्जी एंड रिस्पेक्टिव वेवलेंथ फॉर द गैस एटम्स। तो वो मतलब जो 2 से इंफिनिटी वाली एनर्जी है, थोड़ा सा स्पीडिंग नहीं है, मतलब आपको क्या पता कि वो किसकी आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इनिशियल वाले या बाद वाले? वही मतलब अगर क्वेश्चन बनाई उस हिसाब से हुआ है ना, कि वो कह रहा है कि आपने गैस को संभव इनपुट ऊपर रखा हुआ है, तो अब ये आयनाइजेशन वाली बात 100% क्लियर नहीं होगी कि वो इनपुट को 2 से एनालाइज करने की बात कर रहा है, या वो ये बात कर रहा है कि जो डीऑक्साइड हो चुके उनको एनालाइज करना है ना, तो इट शुड हैव बीन क्लियर। वो तो इसीलिए मानते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं जनरली हमेशा कार्बन ग्राउंड स्टेट में आ ही जाते हैं। तो इन्होंने किसके हिसाब से दिया होगा? ग्राउंड से दिया होगा, तो मतलब यहाँ लिख लो फ्रॉम ग्राउंड। और कोई बचा? डन जी पार्ट। डन the short wavelength limits shifts by 26 and operating is increased by this one, so those original value for operating voltage jo cut off wavelength hai uski baat ho rahi hai। h part bacho अगर क्या करे नॉकआउट ना करे मतलब की बात है, वो फर्क नहीं पड़ा, मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बन रहे हैं, आप उसको दो तरीके से बोल दो, या तो आप ये कह दो कि जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसने पहले वाले इलेक्ट्रॉन को ही किसी हायर स्टेट में एक्साइट कर दिया, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि ऊपर भी कोई एम्प्टी शेल है ही नहीं ना, कहीं वैकेंसी ही नहीं, इसलिए हम उसको इस तरह से पुट करते हैं कि भाई हाँ उसने निकाल दिया अंदर, पहले वैकेंसी क्रिएट होगी तभी डी एक्साइटेशन स्टार्ट होगी। अगर बाई चांस कोई वैकेंसी बनी हुई है, वैसे तो असली में क्या होता है कि सारा कुछ इकट्ठे ही हो रहा होता है कैरेक्टरिस्टिक कंटिन्यूस, तो हम बिल्कुल रियलिटी में क्या हो रहा है बता ही नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर से कोई और निकल गया हो, ये पॉसिबल हो सकता है ना कि रेडिएशन ने पहले ऊपर कोई वैकेंसी क्रिएट कर दी, फिर रेडिएशन आई उसने नीचे वाले को ऊपर एक्साइट कर दिया और फिर वो शुरू हो गया, वो हो सकता है। डन बच्चों, निशा एक जो आपने मुझे वो भेजा था वो किस में था? 2x2 में था। अच्छा वो देख लेते हैं। एच हो गया बच्चों, एच का फिफ्थ। तो रेडियस उससे हम निकाल नहीं सकते, आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3, नहीं ये नहीं, जो 1.1 वाला जो होता है
r equal to r naught a raised to power 1 by 3 होता है, इसमें a 1.1 into 10 to power minus 15 होता है, r sorry r naught जो हम लिखा था मैंने ऊपर 1.3 और वैसे आइडली मैंने से बोला था ये आएगा तो पक्का देना पड़ेगा 9.2 बनता है ठीक, तो वो मे भी उन्होंने ठीक है जी, आई पार्ट वो कुछ वो गिवन नहीं है ना मास्टर्स वगैरह तो नेट पे कैसे चेक करके मास्टर्स ठीक है तो बात नहीं, मतलब मास्टर्स गिवन होना चाहिए अदरवाइज तो आपको पता ही है कि क्या करना है इसमें ना ये अच्छा ठीक है चलो जे पार्ट अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो नहीं हुई, हमने तो दोनों रिएक्शन लिखे थे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन आइसोलेटेड, इसमें लिखा फ्री आइसोलेटेड, वो जो हो रहा है रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है कन्वर्जन जो है ए नाइंथ क्वेश्चन बच्चों जैसे मुझे कोई एग्जांपल दो सेवेंथ हमें कहा है कि थोरियम से तो पूछा था इसमें कैलकुलेटर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल लिमिटेड व्हाट इज दिस 217 नहीं, आप क्या कह रहे हो कि इसमें मोमेंटम नहीं किया हुआ अंदर, नहीं इससे नहीं होना चाहिए जो हमने वो लिखा था वो a over a minus 4 बट वो अगर होता है वो मोमेंटम फर्स्ट रिएक्शन हुआ ये रेडियम जो एक्साइटेड स्टेट में आया ठीक है हमको यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन करके हमें पता है कि जो एनर्जी आई है मतलब वो
मतलब जैसे कुछ एनर्जी और पता एक्साइटेशन में चली गई है ना, जो बची एक तरह से वो इसकी क्यू वैल्यू है ना, तो आप उसका 4 अपॉन तो a माइनस 4 इसे क्यू करो, दैट शुड बी एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। और अब आपको सेकंड रिएक्शन से ये पता चल गया कि जो मतलब एक्साइटेशन में कितनी एनर्जी गई, वो 2 months का रह गई। आप ये कह रहे हो, आपका डाउट समझ गया कि ये इन्होंने तो स्प्लिट करके लिख दिया, और वो शायद स्प्लिट करके लिखा ही इसलिए होगा कि अगर मैं इसको सीधा लिखता, अगर मैं इसको इकट्ठे लिखता इक्वेशन, तो ये बनती कि रेडियम प्लस अल्फा प्लस गामा, तो फिर ये कंफ्यूजन होती कि फिर तो कुछ मोमेंटम गामा के पास भी गया और कुछ मतलब बाकी के पास भी गया, तो फिर हम सीधा वो ए माइनस फोर वाला नहीं लगा सकते। मुझे दिखा दो एक बार, जैसे 7 तो समझ गए ना, उन्होंने अलग इसीलिए दिया होगा। नहीं, 9th में देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल। मतलब एक बार सोचो कि बीटा को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस कंडीशन में मिलेगी, यहाँ पे भी उन्होंने क्या माना है, इकट्ठे माने हैं या और अच्छा उसका मैं 7th का आप समझ रहे हो कि एक और मतलब कि क्यों नहीं किया, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि आपका फर्स्ट रिएक्शन तो ये हो गया एक बार, ये वाला रेडियम स्टार, वो तो बाद में जाके उससे डिके कर रहा है गामा, तो ऐसा तो हो ही सकता ना कि इकट्ठे एमिट नहीं हुए। जब मैंने अलग लिखा है तो इसका मीनिंग ये है कि वे इकट्ठे एमिट नहीं हुए, तो इसलिए हमें तीनों का इकट्ठे मोमेंटम के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो 7th में तो कोई चक्कर नहीं है। अब 9th एक बार देख रहा हूं मैं, 9th में कह रहे हैं कि n से ये c बना c स्टार और प्लस बीटा पॉजिटिव प्लस ये जो है न्यूट्रिनो और वो डी एक्साइट होके ऐसा करता है। अब द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एंड फ्रॉम द फॉलोइंग केस, तो अब हमने निकाल लिया कि एनर्जी रिलीज हुई, ये जो एनर्जी रिलीज हुई, अगर हम सोचे हम ये कह रहे हैं कि ये एनर्जी जो रिलीज हुई दिस इज गोइंग टू कार्बन के कार्बन प्लस बीटा प्लस न्यूट्रिनो तीनों के पास जा रही है, एक मिनट क्लियर, आप मैक्सिमम की कंडीशन सोचते हैं, आप ये बात समझ रहे हो बच्चों, जो फर्स्ट रिएक्शन है उससे क्या पता चल रहा है कि जो एनर्जी रिलीज हुई वो किसमें जा रही है, वो तीनों में जा रही है, कार्बन में भी जाएगी, कार्बन की कैरी में भी जाएगी, बीटा पार्टिकल की एनर्जी में भी जाएगी और न्यूट्रिनो की एनर्जी में भी जाएगी नॉर्मली। तो किस सिनेरियो में हम कह सकते हैं कि मतलब बीटा पार्टिकल मैक्सिमम पे होगी, अगर न्यूट्रिनो को न्यूट्रिनो
अगर हम ऐसा सोचें कि जितना भी रिलीज हुआ वो सारी न्यूट्रिनों के पास चली गई, अभी बीटा के पास चली गई, हाँ मैं वही कहना था, क्या उसका मोमेंटम खत्म होता है? आप एक बार जो सोचो, मतलब अब जो कंडीशन है जो हमने दो क्रिया लगाई इन अ वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, दिस इन अ वे आपको तीन क्रिया सोचना है, आपके पास तीन पार्टिकल्स आ रहे हैं राइट, उसमें ऐसा कैसे होगा, किस कंडीशन में ऐसा होगा कि जो बीटा पार्टिकल है उसको मैक्सिमम एनर्जी, ऑब्वियसली मोमेंटम तो कंजर्व रखना ही है, तो मोमेंटम कंजर्व रखते हुए बीटा पार्टिकल को मैक्सिमम एनर्जी कैसे मिलेगी, एक बार सोचो। ये तो C स्टार का होगा, आप समझ गए ना, वो तो टेंडर भी क्यों कम हो गया बस ना, उसका काम तो इतना है और कुछ नहीं। ये भी पक्का है, आपको समझ आ रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दो रेस्ट पे हो और सिर्फ एक मूव कर रहा हूं, किस पॉसिबिलिटी पे इसको मैक्सिमम गेन मिलेगा, यस क्या न्यूट्रिनो ने इसको न्यूट्रिनो वही नहीं सकता, ये भी आपको पता है, तो अगर न्यूट्रिनो रेस्ट पे नहीं क्वेश्चन आप ऐसे मान लो कि 12.9 में से कितना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बीटा पार्टिकल लेके जा सकता है, एग्जांपल से ऐसे सोचना, तो अगर आप ये मानते हो कि मान लो सी को रेस्ट पे ले आए और एक तरफ
बीटा जा रहा है एक तरफ, न्यूट्रिनो जा रहा है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट थोड़ा याद कर रहा है इसको ना, हमें थोड़ा और डिटेल में करते हैं ये थोड़ा सा आईआईटी के हिसाब से ना रिलेटिवली अनएक्सप्लेन है द तीन पार्टिकल्स हो जाते हैं तो एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक आध बार आया है थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर हम ये मानते हैं बच्चों, जैसे मैंने बोला कि सी को रेस्ट पर लो और न्यूट्रिनो और बीटा का ऑब्जर्व कराएं, तो करना इसको ठीक है, एक बार फिर करना फिर करेंगे एक्सरसाइज, बट द पॉइंट इज उस तरीके से ही निकालनी है कंडीशन। आगे बच्चों ये याद रखना प्लीज है ना, तो हम करेंगे इसको पूरा इसको क्वाड्रेटिक। आप मतलब नॉन मेड वाले स्टूडेंट्स से ना जनरलाइज ही ट्राई करना, मतलब आप ऐसे सोच लो कि ऐसा कुछ भी रिएक्शन हो रहा है तो व्हाट कैन बी द एक्सट्रीम वेरिएंस, इस तरह से सोचना कि किस केस में बीटा को मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है, किस केस में न्यूट्रिनो को मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है, एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये डन। एल अभी नहीं कर रहा मैं डिस्कस सर, चलो कोई बात नहीं, ठीक है पहले बाद में करते हैं, फिर हम अभी बच्चों अगला चैप्टर शुरू करते हैं विच इज सेमीकंडक्टर्स। करें बच्चों स्टार्ट सेमीकंडक्टर्स। नहीं अभी तो मैंने तो वैसे एक केस बोला था बस कि उसके लिए ट्राई करो क्या बनता है, ऐसे हमें निकाल के देखना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे रीजन नहीं दिया था, मतलब कि उस पर ट्राई करो क्या बनता है, क्योंकि न्यूट्रिनो को तो रेस्ट करा नहीं सकते, बीटा को मैक्सिमम ही देनी है, थोड़ा लॉजिकली सोच के ये भी लग रहा है कि अगर हम मैक्सिमम देना चाहते हैं तो सारे पार्टिकल्स को ना दें, ओके तो जब वी मूव टू द लास्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस सेमीकंडक्टर्स, क्या अभी मुझे पता नहीं चले ज्यादा लोगों के जिसके आई थिंक वैसे लोग मुझे लग रहा है कि नहीं बनेगा आई गेस 64 है बाकी अभी अच्छा अभी मतलब मुझे गर्ल्स के नहीं पता चला अगर कोई निकला है अनोखा। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ माइंडसेट से नहीं जा सकता, अगर कोई इस पेपर में इस माइंडसेट से जा सकता कि हाँ मैं फिजिक्स को कम अटेम्प्ट करूंगा वो मारा जाएगा, तो इट वाज टू इजी। ओके तो बच्चों ये जो नेक्स्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स,
जैसे मैं जो जिस सीक्वेंस में ये आ रहा है आपके सिलेबस में उसी सीक्वेंस में ये हिस्टोरिकली डेवलप भी हुई साइंस से रिलेटेड. तो वेरी वेरी ब्रॉडली इस चैप्टर का एसेंस क्या है, जब हम बात बोल रहे हैं नाम सेमी कंडक्टर, सो नाम से समझ आता है कि इट लाइज समवेयर बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, राइट. तो करंट एक चैप्टर हमने पढ़ा था जो पहले पढ़ा था, राइट, तो जहां पे रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और हम सारा कुछ अप्लाई करते थे. एंड ऑफ कोर्स वहां पे जब हम करंट की बात कर रहे थे हम कंडक्टर्स के अंदर भी करंट की बात कर रहे थे. तो सेमी कंडक्टर्स जो है वो एक न्यू टाइप ऑफ मटीरियल्स है विच कैन कैरी करंट बट वेरी स्मॉल करंट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ जनरली मिली एम्पीयर्स. एक तो जो हम नॉर्मल कंडक्टर्स की बात करते हैं जैसे हमारे कॉपर वायर लगी हुई है और ये वो, तो वहां पे तो जो हमारे करंट्स का ऑर्डर होता है वो 2 एम्पीयर 10 एम्पीयर 100 एम्पीयर इस रेंज में बात करते हैं. यहाँ पे जो करंट्स हैं वो बहुत छोटे हैं, मिली एम्पीयर्स, राइट. तो एकदम सोच के लगता है कि क्या फायदा होगा इसका, लेकिन जहां पर हमारी एप्लीकेशन ही ऐसी है जहां पे करंट ही इतना बताओ ऐसी कौन सी आपको इन सब में जो करंट चाहिए होते हैं आपको इतने छोटे ही चाहिए, ठीक है. तो आप क्या ये इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होगी, मतलब ये जो आपके डिवाइसेस हैं लाइक मदरबोर्ड होता है वो, ठीक है, रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, मोबाइल का आपका जो जो भी अंदर उसका अंडरलाइन उसके अंदर चिप होता है, ठीक है, एलसीडी टीवी, ठीक है, ये सारे जो डिवाइसेस हैं इनके अंदर जो उनका अंडरलाइन जो ड्राइविंग करंट है इसे चलते हैं वो करंट बहुत ही छोटा सा, तो वहां पे हम इनको यूज कर सकते. फिर बात आती है कि फिर इनको भी यूज करना है, वहां पर भी कॉपर यूज करो जब कॉपर तो गई हमारे पास, राइट. तो इट टर्न्स आउट दो मेन रीजन है, एक तो ये जो सेमीकंडक्टर्स है दीज आर वेरी चीप, दे आर डर्ट चीप, ठीक है. जो अभी भी जो हम थोड़ी बहुत कॉस्ट इनकी पे कर रहे हैं ना टीवी स्क्रीन और ये जो भी एसोसिएटेड चीज है या एलईडी बल्ब है या कुछ है, सब सेमीकंडक्टर चीज है. तो कॉस्ट व्हिच वी आर पेइंग इज ऑफ द रिसर्च, ठीक है. इनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो तो नेग्लिजिबल है, ठीक है. तो एक तो ये हो गए बहुत चीप. दूसरा हम जैसे देखेंगे कि ये जिस तरीके से विद्युत करंट फ्लो करता है जो भी मैकेनिज्म है जो हम पढ़ेंगे उसमें हमारे को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं कंपेयर टू नॉर्मल जो कॉपर वायर है, मतलब थिंग्स लाइक कि कॉपर वायर में तो आप कॉपर वायर है उसमें आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे या नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे उसको तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, उसमें करंट या लाइट को फ्लो कर जाएगा या वो फ्लो कर जाएगा. यहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं लाइक कि भाई आप पोलैरिटी के हिसाब से अलग बिहेवियर आएगा, कितना करंट भेज रहे हो उसके हिसाब से अलग बिहेवियर आएगा एंड सो ऑन. तो एक तो हमारे को सस्ता पड़ गया सबसे पहली बात, दूसरा हमारे को फीचर ज्यादा मिल गए कंपेयर टू कॉपर, ठीक है. तो उस कारण से यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा पड़ जाती है जो कि आप कॉपर के साथ कर ही नहीं सकते, ठीक है. मे भी कर सकते होते बट आपको फिर इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाना पड़ता है कि वो और महंगा पड़ता है. तो इसलिए इस चैप्टर की ऑफ लेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है, मतलब एक्चुअली ये जो आपके बच्चों जैसे जो ये इंजीनियरिंग की ब्रांचेज है, मतलब जैसे एक तो ब्रांच आपकी हुई कंप्यूटर जो मेन जहाँ पे प्रोग्रामिंग है उसके अलावा जो कंप्यूटर हार्डवेयर है या इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है वो सारी की सारी सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज करते हैं. जहाँ पे भी आप चिप यूज वर्ड देखते हो तो वहां पे सेमीकंडक्टर्स आते हैं. तो अब क्या इनकी वर्किंग है बच्चों, हम ये समझते हैं क्यों इसको बिल्कुल एंड में रखा गया या करंट के साथ ही क्यों नहीं पढ़ाया गया. तो बच्चों क्या होता है, हम अभी अपने पिछले चैप्टर से ही बिल्डअप करते हैं जो हमने एटॉमिक फिजिक्स पढ़ी, हमने उसमें समझा कि जो
हमें हमने एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अलग अलग एनर्जी लेवल्स डिफाइन कर लिए, जो ये 13.6 h2 m2 से हमने एनर्जी लेवल्स डिफाइन कर लिए, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स एनर्जीज पे डाइवर्ट करते हैं, राइट। इसको हम एक तरह से बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को आपने आयनाइज कर दिया जो भी आयनाइजेशन एनर्जी देगी, तो एक तरह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी डेफिनेशन करंट वाले चैप्टर के हिसाब से क्या होगी, जो बाउंड नहीं है और इसलिए वो करंट फ्लो करा सकते हैं। अब बच्चों रियलिटी में क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा एक हाईएस्ट लेवल पे लेके जाए, सबसे पहली बात तो बच्चों ये होती है कि जो भी एक मटीरियल होता है उस मटीरियल के अंदर एक आइसोलेटेड एटम थोड़ी होता है, उसके अंदर तो बहुत सारे एटम्स होते हैं। बहुत सारे एटम्स के साथ क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक तो देते हैं अभी बोर मॉडल बना के सीधा -3.6, रियलिटी में तो वो नहीं होगी ना। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत सारे सराउंडिंग एटम्स का इन्फ्लुएंस हो, राइट, ये है पहली बात। दूसरी बात, एक बच्चों आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल सेम स्टेट्स ही हो सकती है, सारे कोर क्वांटम नंबर्स सेम, ठीक है। तो उसको अगर एनर्जी के पॉइंट में मैं बोलूं तो ये बनता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एनर्जी नहीं हो सकती दो इलेक्ट्रॉन्स की, थोड़ा बहुत फर्क तो होगा ही होगा, ठीक है। बोर थ्योरी उसकी बात ही नहीं कर सकती क्योंकि बोर तो शेल्स में ही बात करके खत्म कर देती है, ठीक है। अगर हम उसमें सारा वेव वाली थ्योरी लगाते हैं सब कुछ करते हैं, तो दो मेन फैक्टर्स, एक है ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स, उससे ऐसा बन जाता है कि अब आप इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे फिक्स्ड एनर्जीज की बात नहीं कर सकते। अब हम बच्चों बात करते हैं एनर्जी बैंड्स, जो कि पहले आप सिर्फ नंबर्स बोल रहे थे ना, इक्वल टू 1 2 3 4, अब हम नंबर्स भी बोलते हैं, अब हम एनर्जी बैंड्स की बात करते हैं। एनर्जी बैंड का क्या मतलब, एक रेंज वो इस बात पे होती है कि अब हम एक मटीरियल को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। एक बार तो समझ लो आपकी स्क्रीन पे जो है, तो जो मैंने आपको रीजंस दिए, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन दोनों के इफेक्ट से क्या हुआ कि जो आप पहले ऐसे एनर्जी लेवल्स बनाते थे लेफ्ट साइड पर जो -3.6 -3.4, अब हम ऐसे बनाने की जगह अब हम जो बनाते हैं ये इस तरीके से बैंड्स होते हैं, कुछ रीजंस हैं। तो ऑर्बिटल्स भी आ गए, है ना, पहले तो हम शेल्स की बात हो रही थी, अब ऑर्बिटल्स की भी बात हो रही है। तो ये बच्चों आप देखो, ये जो मैंने लाइंस बनाई हुई है वो क्या डिनोट कर रही है, जैसे 1s2s प्लस ऑर्बिटल्स हो गया, उसके ऊपर हम एक रीजन को बोल देते हैं एज बैलेंस बैंड, जिसको आप पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते थे, हम उसके ब्रॉड रेंज की बात कर रहे हैं जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स लाए करते हैं, उसको हम बोल देते हैं बैलेंस बैंड। जो उसके थोड़ा ऊपर वाला रीजन है उन सबको इकट्ठा करके हम बोल देते हैं कंडक्शन। कंडक्शन बैंड का क्या मतलब हो गया समझने के लिए, प्री हो गया जो, है ना, और उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम बोलते हैं एक तरह से ऑर्बिटल रेंज। तो व्हाट वी से इज कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो बैलेंस बैंड में लाई करेगा या कंडक्शन बैंड में लाई करेगा, उनके बीच वाले रीजन में लाया नहीं कर सकता, जिसको हम ऑर्बिटल बैंड कहते हैं।
चैप्टर का नेम बच्चों सेमीकंडक्टर्स, टॉपिक का नेम बैंक थ्योरी। ये भी समझ रहे होंगे कि बाय दिस थ्योरी इज बेटर बिकॉज ये सारे फैक्टर्स को लेकर चल रही है, आइसोलेटेड भी नहीं मान रही, शेल्स भी नहीं मान रही, मतलब एक थ्योरी को भी ले लिया उसने ऑर्बिटल्स के टर्म्स में बात कर रही है, दैट्स वन, इसलिए बैंक थ्योरी इज मोर सुटेबल। ये फिगर समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, ये बच्चों जो मैंने राइट साइड पे लाइन बनाई ना, ये आपको ये दिखाया है बस कि ये लाइन बहुत ही पास पास आ जाता है, ये जैसे बैलेंस बैंड की आपको दिखती है ऐसे ही कंडक्शन बैंड की, जिनको हम अभी आगे वाली फिगर में आप देखोगे इसी को हम बैंड बोलते हैं, ये जो सारे लाइन्स हैं कटे वो एक बैंड बन गया, कट बैलेंस बैंड जो ऊपर वाली सारी लाइन्स हैं कंडक्शन बनी उनको एक रीजन बोल दिया पूरा ऐसे कंडक्शन। ठीक है, क्लियर सो फार? अब हम बच्चों इसके बेसिस पर हम जैसे पहले जो हम डिफरेंट डेफिनेशन देते थे कंडक्टर इंसुलेटर एक्सेट्रा, अब हम डेफिनेशन देंगे इस बैंड थ्योरी के हिसाब से, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड्स। हम डिफाइन करते हैं कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स है बच्चों क्या होगा लॉजिकली सोचो, हम कहते हैं कंडक्टर के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव, व्हाट डज इट डू बैंड थ्योरी के हिसाब से क्या होगा सर, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, नॉर्मली तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहेंगे, हाउ विल दे गो इनटू कंडक्शन, how is it possible for them to enter the conduction band agar wo gap koi na, agar conduction aur valence band ka gap main khatam kar dun to uska matlab unke liye farak hi nahi hai, wo aram se ghoom sakte hain, to wahan pe kya ho jata hai bachon, wahan pe kuch is tarike ka ban jata hai, isliye color ko dhyan se dekhna, jo white wala hai wo hai valence band, jaise maine aapko bola tha na ek region banayenge hum to white wala ho gaya valence band, ब्लू वाला हो गया कंडक्शन बैंड, तो क्या हो गया ओवरलैप ही कर रहे, तो यहाँ पे कुछ फॉरबिडन
गैप ही नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव टू दिस कंडक्शन. सिमिलरली बच्चों क्या लगता है इंसुलेटर में क्या होगा? इंसुलेटर में जो गैप होगा वो बहुत बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस से कंडक्शन में जा ही नहीं सकते. तो बच्चों ये जो मतलब बेंचमार्क है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. आप समझ रहे हो ना कि इसमें एक तरह से ये वाई एक्सिस में एनर्जी बढ़ रही है, ऐसे डिपिक्ट हो रहा है. हम इसी ऑर्डर में बना रहे हैं, सबसे नीचे लाइन है उसकी एनर्जी सबसे कम है, जो उसके ऊपर बन रही है उसकी एनर्जी ज्यादा है. सो हमने इसको किस बेसिस पे बनाया, जो जैसे वहां पे n = 1 प्लस माइनस 3.6 n = 2 माइनस 3.4 एंड सो ऑन, ये वैसे ही बना रहे हैं. वैलेंस बैंड का मतलब तो ये है कि वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन के साथ एटम के साथ बाउंड है जो कि आउटर शेल में, और कंडक्शन बैंड का मतलब जो फ्री हो गए जो एटम से फ्री है जो घूम भी रहे उसके बाद मतलब लैटिस में. तो एक तो ये कि बच्चों वैलेंस के अंदर भी ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में होंगे, ठीक है. कंडक्शन के अंदर भी अलग अलग एनर्जी होंगी. तो जो हमने डिफाइन किया है पॉजिटिव एनर्जी का वो कैसे डिफाइन किया, लोएस्ट कंडक्शन माइनस हाईएस्ट वैलेंस डेफिनेशन उससे आएगी ना. तो क्या दूसरी बात तो जो ऑल ऑफ बिल्कुल एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, बट आप थोड़ा सा रफली सोच सकते हो कि ये सिक्स कहां से आया होगा. तो जो नॉर्मल थर्मल एनर्जी होती होगी मतलब जो नॉर्मल एनर्जी मिलती है वो सिक्स थर्मल से वो सिक्स से कम मिलती होगी, इसलिए वो नहीं शिफ्ट कर पा रहा. हाँ,
ये बच्चों समझ आ गया, ठीक है। अब बच्चों तीसरा इसका केस होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो बिल्कुल सेम फिगर बनाना है आपने बच्चों जो इंसुलेटर का है, बस फर्क ये होता है कि उस केस में जो फॉरबिडन एनर्जी क्या है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ कहते हैं लेस देन ही, थोड़ा बहुत उससे कम होता है। तो बच्चों ये जो गैप है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गैप नॉर्मल थर्मल एनर्जी से लिया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसीलिए लिख रहे हैं आगे कि भी अगर तो 0 केल्विन है तो तब तो कोई थर्मल एनर्जी नहीं, तब तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलेंस स्टैंड में हैं। और अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। एंड बच्चों आप ये भी सोच सकते हो कि ये वही वाले करेंगे जो बैलेंस बैंड के भी अपर रेंज में है ना, तो ये वाले कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में शिफ्ट कर जाएंगे। तो बच्चों समझ आया क्या हो रहा है, ठीक है। और कैसे हमने डिफाइन किया सेमीकंडक्टर्स, तो हम देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के केस में क्या हो गया कि रूम टेम्परेचर पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए कंडक्शन में, ठीक है। नो डाउट ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, ये जो नंबर होगा, दैट विल बी मच स्मॉलर कंपेयर टू कॉपर, लेट्स से, बट इतना है जिससे कि हमारे को जितना करंट चाहिए था उतना। तो जो बच्चों हमारे जो सबसे कॉमन मटेरियल्स हैं जैसे सिलिकॉन है और जर्मेनियम, तो उनके इस ऑर्डर में होंगे एनर्जी गैप्स, समझ लो। ईजी किसको ड्रॉ करा है, वो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है जो रेड से दिखाया हुआ है, तो ये वो वैल्यूज को जो आपको याद भी होनी चाहिए इसमें किसी फॉर्म में कुछ नहीं जाता सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ उस ऑर्डर का, ठीक है, एग्जैक्टली है उससे थोड़ा बहुत कम जा रहा है।
हाँ बच्चों ऑनलाइन दिख रहा है सुन रहा है? ठीक है ओके. तो बच्चों नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. जो फर्स्ट टाइप जो होती है जिसको हम कहते हैं प्योर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है, इसका मतलब है आपने मटेरियल को एज इट इज यूज कर लिया, उसके अंदर आपने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की, है ना, उसको आप बोल देते हैं एज प्योर. तो इसका मतलब है विदाउट एनी इम्प्योरिटी. तो वो जो इसमें दो टाइप्स के हमने देखा मटेरियल होते हैं जिनमें कि मतलब वो एनर्जी गैप जो है ये इस ऑर्डर का होता है जो हमें चाहिए था. एक होते हैं टेट्रावेलेंट एटम्स जिनमें वैलेंस पांच है, ठीक है, और एक है, चलो पहले टेट्रावेलेंट की बात करते हैं. तो इसमें क्या हो जाता है बच्चों, टेट्रावेलेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, जिसमें पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है या कितने होते हैं, चार, सॉरी टेट्रावेलेंट. हाँ, तो उनमें बच्चों अगर हम एक लैटिस की बात करें तो वो लैटिस कैसे कंप्लीट हुआ होता है कि जो उसके सराउंडिंग है उसने सबके साथ चार चार के साथ शेयर किए हुए हैं तो आठ बन गए. ठीक है, तो उसमें ऐसे वैलेंस बैंड के अंदर बच्चों भरे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली, और कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं होते. एक बार ये ड्रॉ कर लो फिगर, हमें इस टाइप के फिगर की बहुत जरूरत पड़ेगी आगे. इसके लिए ये फिगर क्या शो कर रहा है बच्चों कि कैसे एक एटम लैटिस के अंदर लगा हुआ है और वो अपने सराउंडिंग एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाकर इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है. तो उसका ऑक्टेट जो है वो नॉर्मली कंप्लीट होता है. अब बच्चों क्या होता है, मान लो किसी एनर्जी से थोड़ी सी एनर्जी उसको मिली, उससे इलेक्ट्रॉन एक तरह से फ्री हो गया. अगर मान लो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस लैटिस में क्या होगा, एक एटम है मान लो एटम वन है, उसके पास नॉर्मली चार इलेक्ट्रॉन है, उन चार में से ड्यू टू सम रीजन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, उसको एनर्जी मिल गई, वो बाहर निकल गया, तो वो एटम अब किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होगा लैटिस के अंदर. मतलब उसका बॉन्ड टूट जाएगा ना एक तरफ का कोवेलेंट बॉन्ड, हम वो बात कहना चाह रहे हैं. तो कुछ इस तरीके की सेटिंग हो जाएगी कि मान लो एक निकल गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह गया. पॉजिटिव का क्या मतलब है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज क्यों कह रहा हूँ, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है ना, और वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया. तो ये फिगर बनाओ. और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है बेसिकली वो कहाँ पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में एक तरह से. तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में वही सिचुएशन को लैटिस की फॉर्म में दिखा रहे हैं और राइट साइड में उसी सिचुएशन को एनर्जी की फॉर्म में दिखा रहे हैं कि क्या हुआ जिस कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब कंडक्शन बैंड में पहुंच गया. बच्चों पहले सिर्फ लेफ्ट वाला फिगर बनाओ, या अगर बना लिया तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ कि कैसे क्या बोलना है.
तो बच्चों इस अरेंजमेंट से क्या आप ये समझ रहे हो, नाउ लुक केयरफुली एट दिस एटम नंबर वन. उस एटम नंबर वन पे एक तरीके से बच्चों एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगी, ठीक है, जिसको राइट साइड पे भी मैंने दिखाया कि मान लो जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शिफ्ट हो गए कंडक्शन बैंड में चले गए, उनके करिस्पॉन्डिंग वैलेंस बैंड में जो एम्प्टी स्पॉट्स बने उनको हम बोल देते हैं एज होल्स. ठीक है, एक हम नई टर्म यूज करेंगे बच्चों, होल, जिसका मतलब क्या है, वेकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आपको वो बात इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड भी क्लियर होनी चाहिए और आपको वो बात इन टर्म्स ऑफ लैटिस भी क्लियर होनी चाहिए कि जहां से भी बॉन्ड टूटा है मतलब जिसका वो इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो वो जो भी स्पॉट है, ठीक है, उसको हमने बोल दिया एज होल. मतलब डोंट कंफ्यूज इट विद द इंग्लिश मीनिंग, एज सच वहां कुछ नहीं हुआ, सिर्फ क्या है एक बस वैकेंसी क्रिएट हुई है इलेक्ट्रॉन की. ठीक है जी, तो क्या आप ये समझ सकते हो बच्चों कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी होंगे ना. ऑब्वियसली कौन सा कोई नया इलेक्ट्रॉन आया तो ये रिजल्ट लिख लो, Ne इक्वल टू NH. Ne denotes number of electrons in conduction band. NH क्या denote कर रहा है बच्चों, number of holes. और holes कहाँ होते हैं, valence में. तो ये टर्म्स हम बच्चों बार बार यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स. हमारे काम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे होंगे, कंडक्शन बैंड में, और जो होल है वो कहाँ पे, वैलेंस बैंड. तो बच्चों क्या होता है, अब एक बात हम समझते हैं इंपॉर्टेंट. देखो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होके कंडक्शन बैंड में चला गया, वो इलेक्ट्रॉन तो अब हम एक तरह से मान रहे हैं कि हमारे एटम से फ्री हो ही गया, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकता है? यस, वो तो फ्री है तो इट कैन मूव, तो वो इलेक्ट्रॉन तो कंडक्ट करेगा ही करेगा. एक बच्चों जो दूसरा फिनोमिना होता है उसको समझना, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया ना, लेफ्ट वाले फिगर में जो मैंने दिखाया कि ऊपर चला गया, या राइट वाले फिगर में मैंने दिखाया कि जो कंडक्शन बैंड में चला गया, उसका काम तो बिल्कुल वैसा है जैसे करंट वाले चैप्टर में था, वो तो प्रॉपर मूव कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं. एक जो दूसरा बच्चों नया फिनोमिना हो रहा है जो लैटिस के अंदर हो रहा है, देखो क्या है, अगर आप एटम वन को केयरफुली देखो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. हम ये भी सोच सकते हैं कि जो एटम टू था जिसके तो उसका बॉन्ड टूटा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज नहीं, मतलब उसके पास अपना अनबाउंड इलेक्ट्रॉन. तो बच्चों क्या होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अनबाउंड है वो तो वैसे ही अनस्टेबल होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि मान लो उसने वन की पोजीशन ले ली, मतलब वन पे जो वैकेंसी थी वो वहां पे चला गया, उससे क्या हो जाएगा, उससे वन का चार्ज खत्म हो गया और टू के ऊपर होल क्रिएट हो गया. ठीक है, टू के ऊपर जो होल क्रिएट हुआ उसको कोई और इलेक्ट्रॉन वो उसको भर दे, तो जहां चलो टू को किसी एटम नंबर फाइव ने भरा तो वहां से क्या होगा, फाइव पे होल क्रिएट हो गए मानकर. तो हम बच्चों ऐसे बोलते हैं कि कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है, और वैलेंस बैंड के अंदर होल्स मूव करते हैं. अब देखो रियलिटी में तो समझो बात को, वैलेंस बैंड के अंदर भी मूव तो इलेक्ट्रॉन्स ही कर रहे हैं, है ना, बट सिर्फ उनको और एक्सप्लिसिटली डिस्टिंग्विश करने के लिए. डिस्टिंग्विश कैसे हो रहे हैं वो, कि जो तो कंडक्शन बैंड में है वो तो बिल्कुल ही फ्री है, वो तो आराम से मूव कर सकते हैं, जो लैटिस के अंदर है उनकी मोशन फिर भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन टू अनदर इलेक्ट्रॉन, वो तो एक पर्टिकुलर तरीके से ही मूव कर सकते हैं. तो जो लैटिस के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोशन को समझने के लिए हम स्पेसिफिकली टर्म यूज करते हैं होल्स. ठीक है, अगेन लेट्स रिमेंबर कि असली में तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ही हैं,
वही करंट वाली बात, करंट में भी हम बोल देते थे कि चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन असली में क्या मूव करता था, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते थे। यहाँ पे हम ऐसे बोलते हैं, जो हमारा नया तरीका है, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एंड होल्स मूव करते हैं। जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स की, और जब हम कहते हैं कि होल्स मूव कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स। इज दिस थिंग क्लियर? तो यहाँ पे एक नई चीज हो गई कि सेमीकंडक्टर्स के केस में जो करंट बनता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी बन रहा है और होल्स के कारण भी बन रहा है। इन अदर वर्ड्स, कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी बन रहा है और वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी बन रहा है। ठीक है जी, नंबर छोटा है, सारा खेल तो नंबर का है। तो ये लिख लो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में है, वो तो नॉर्मल ड्रिफ्ट करंट जैसे पहले आता था वैसे ही करंट बनाता है। और होल जो है वो बैलेंस बैंड में। देख लिया बच्चों? तो जैसे मैं आपको समझा रहा था कि होल्स मूव करते हैं, लेकिन अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो क्या होगा, तो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, तो इसलिए नेट जीरो करंट। तो मतलब इनफैक्ट होल्स भी रैंडमली मूव कर रहे होंगे और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडमली मूव कर रहे होंगे, वो तो हमने पहले समझा ही हुआ है। कंडक्शन होल्स के करना उन्होंने यही एक कोई ना कोई मतलब इलेक्ट्रॉन जहां पे कोई वैकेंसी है उसको फिल करेगा, लेकिन अब उसकी एक डायरेक्शनल प्रेफरेंस हो गई, वो फील्ड के ऑपोजिट ही मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना? हाँ, सेम डायरेक्शन में ही आया करंट जो आया वो सेम डायरेक्शन में आया। तो आप एक बात समझ रहे हो कि बोलने में तो ये आएगा ना कि इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, होल्स फील्ड के अलोंग रहे हैं, है ना? होल तो एक तरह से वैकेंसी है ना, होल तो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज है, बट रियलिटी में दोनों ही करंट को कॉन्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं, एड ही हो रहा है। सोच लो एक बार ध्यान से, ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ ये बात क्लियर हो गई? इसका ऐसे सोचते हैं हम, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को है, मैं बैलेंस बैंड की बात कर रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को है तो बैलेंस बैंड या लैटिस के अंदर राइट वाला इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ जाना चाहेगा,
ना वो लेफ्ट वाली वैकेंसी को फिल करना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट गया तो होल कैसे गया लेफ्ट से राइट अलोंग द फील्ड, मतलब होल का बिहेवियर इज बेसिकली जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर, एंड वी विल जस्ट कीप इन माइंड कि असली में तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, सेम बात हम करंट में भी कहते थे, क्या समझ आ गया बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट, नेक्स्ट क्लास में हम जो दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसकी बात करेंगे। बच्चों इसकी थ्योरी पढ़नी है सबने साथ साथ में, ठीक है, मॉड्यूल में से, मॉड्यूल में मतलब पूरी एनसीईआरटी भी कवर्ड है और जितना एक्स्ट्रा चाहिए वो भी है, तो सबने पढ़नी ही पढ़नी है, इसी सीक्वेंस में एग्जैक्टली यहाँ तक आपने पढ़ना है, ठीक है, एक दो पॉइंट्स हैं जो उसमें एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं मैं पूछूंगा अगली क्लास में, ओके। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, फिर फ्राइडे को हम ये कर लें, एल पार्ट तो कर लोगे वो डिस्कस कर लें, और जिन्होंने कर लिया वो आगे थ्री बी स्टार्ट कर दो इसकी। इसमें बच्चों क्या होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चंस बहुत कम है, तो मैं साथ साथ में वो आपको डिस्कस कराता रहूंगा हर रोज कुछ ना कुछ, तो मैं मतलब फ्राइडे को एल पार्ट करूंगा डिस्कस, चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।